नमस्कार 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के एवं पाठक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा भालोबासा खूब भालो थाकुन स्टे ट्यून्ड ऑल द बेस्ट 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना अनेक अनेक शुभेच्छा। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों के जाना आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। आमी बोशे थाकी प्राय एई सन्धे बेलाय आकाशेर गाए लेखा अजोग्य आमी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड में इमरान हाशमी को चुंबन सम्राट का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब लग रहा है बुम्बादा यानी टॉलीवुड के प्रसेनजीत चैटर्जी भी इसी राह पर निकल चुके हैं। दरअसल उनकी एक फिल्म अयोग्य 7 जून से सभी थिएटरों पर लगी है। इस फिल्म में उनके अलावा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने अहम भूमिका निभाई है। अन्य कलाकारों में लीली चक्रवर्ती, अम्बरीश भट्टाचार्य और सुदीप मुखर्जी हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौशिक गांगुली हैं। प्रसेनजीत चैटर्जी के बारे में ऐसा मैंने क्यों कहा, तो मैं आपको सीधे फिल्म के क्लाइमेक्स सीन पर लिए चलता हूं, जहां पर प्रोशेन यानी जिस किरदार को प्रसेनजीत चैटर्जी ने निभाया है, प्रोशेन अपनी प्रेमिका से 22 साल बाद मिलते हैं। अब उनकी शादी हो चुकी है, यानी पौर्णा जिस किरदार को ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने निभाया है, दोनों पुरी में समुन्द्र तट के किनारे मिलते हैं, जहां प्रोशेन पौर्णा को अपने गले से लगाया हुआ होता है और उसे किस करना चाहता है, लेकिन पौर्णा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती है। तो प्रोशेन उन्हें समझाते हैं कि पौर्णा, मैंने तुम्ही से प्यार किया है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं और उसको किस करूंगा। पौर्णा को प्रोशेन की आंखों में सच्चाई दिखने लगती है और उसे वो किस करने के लिए सहमति देती है। और ये और फिर किसिंग सीन को फिल्माया जाता है। जी हाँ, इस लंबी किसिंग सीन को फिल्माया जाता है। खैर, इस फिल्म की कहानी पर रोशनी डालते हैं। फिल्म की कहानी पौर्णा की है। कोविड के दौरान उसके पति रक्तिम किरदार शिलाजीत मजुमदार ने निभाया है, उनकी नौकरी चली जाती है। पौर्णा की बेटी फिजिकली चैलेंज्ड है, दोनों ही नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं। अचानक पौर्णा को एक फिनेंस कंपनी में नौकरी मिल जाती है। इसके साथ कहानी में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलती है। अचानक पौर्णा के सामने उसके बचपन का प्रेमी प्रोशेन यानी जिस किरदार को प्रसेनजीत चैटर्जी निभाया है, वो भी उसके सामने आ जाता है। इसके बाद फिल्म में क्या होता है, क्या नहीं, क्या पौर्णा को नौकरी उसकी काबिलियत की वजह से मिली है या कोई और वजह है, 22 साल बाद प्रोशेन उसके सामने किस तरह से आ जाता है, फिर उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, इसको जानने के लिए आपको आपकी नजदीकी सिनेमाघरों का रुख करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने कहा अयोग्य 7 जून को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में प्रसेनजीत और ऋतुपर्णा ने अहम भूमिका निभाई है। इस जोड़ी की यह 50वीं फिल्म है। अब आते हैं फिल्म का जो प्रथम भाग है, वहां पे जब आप फिल्म को देखने बैठोगे काफी जिज्ञासा पैदा करेगी यह फिल्म। जी हाँ, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अचानक प्रोशेन पौर्णा की जिंदगी में कैसे आ जाते हैं, क्या रक्तिम इस रिश्ते को बरकरार रख पाएगा या इस रिश्ते से वो हट जाएगा। काफी सारी जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होने लगेगी, लेकिन फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक है, मुझे लगता है कि जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिल्म का जो द्वितीय भाग है, जब हम इंटरवल के बाद प्रवेश करते हैं तो जिज्ञासा कम होने लगती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स कम होने लगते हैं, फिल्म फ्लैट होने लगती है। लेकिन अगर अभिनय की बात करें तो शिलाजीत ने काफी शानदार अभिनय किया है। जी हाँ, वो एक मजे हुए कलाकार है। अब आते हैं प्रसेनजीत और ऋतुपर्णा के बारे में। इनकी जो केमिस्ट्री है वो पहले भी पर्दे पर रंग लाई है और आज इतने सालों बाद जब वे फिर से एक साथ काम करने लगे हैं
इन दोनों का अभिनय देखकर आपको लगने लगेगा कि सही में आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म का मजा तब आने लगेगा जब दोनों की केमिस्ट्री उभर कर सामने आती है। कमाल का अभिनय किया है दोनों ने। जो संवाद है इनके बीच का, जो संवाद है, लगेगा कि आप भी दोनों के प्यार के रंग में रंग जाओगे। ऐसा लगता है कि बुम्बादा और ऋतुपर्णा की उम्र दिन ब दिन कम होते जा रही है। दोनों जवान होते जा रहे हैं। दोनों के अभिनय में इतना निखार आ चुका है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हो। आपको लगेगा कि असली जिंदगी में आप कोई प्रेम कहानी अपने सामने देख रहे हो, प्रेम कहानी चलता हुआ देख रहे हो आपके सामने। और जिस तरीके से कौशिक गांगुली ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, तारीफे काबिल है। जी हाँ, फिल्म का द्वितीय भाग काफी स्लो जाता है। फिल्म का जो मोशन है वो धीमी गति से बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन जो अभिनय का कमाल इन दोनों कलाकारों ने दिखाया है वो आजीवन आपको याद रहेगा। जी हाँ, प्यार किसे कहते हैं, इन दोनों के अभिनय से वो उजागर होता है। जी हाँ, फिल्म का जो तात्पर्य है, मुझे जैसा लगता है कि दो भागों में बांटा गया है। एक लड़का जितना सैक्रिफाइस कर सकता है अपनी जिंदगी में, शायद ही एक लड़की वो कर पाए। एक लड़का एक लड़की से इतना प्यार कर सकता है कि वो 22 साल तक बिना शादी के वो जिंदगी गुजार चुका है, और आने वाले दिनों में वो शादी नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही जज्बातों को दिखाया गया है। रोशन का किरदार ये भी कहता है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, और इस जिंदगी में हारे हुए लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, जो लोग जिंदगी से हार गए हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जिंदगी से आप भागे नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव के बीच आप लड़ते रहे, शायद सफलता तभी मिल पाएगी। जी हाँ, ये फिल्म का एक संदेश आप कह सकते हो, फिल्म का एक संदेश भी है। और एक प्रेमी कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण ये फिल्म है, अयोग्य। फिल्म का एक और सकारात्मक विषय है, फिल्म का जो संगीत है, अयोग्यामी, यानी यही फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसे अनुपम रॉय ने कंपोज भी किया है, लिखा भी है, और म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, गाया भी उन्होंने है। अगर इस गीत को आप सुन लोगे, आपको अपनी जिंदगी की हर बात याद आने लगेगी। आमी बोशे थाकी ताई एई सन्धे बेलाय, आपको हर वो चीज सताने लगेगी जो किसी समय आपके पास हुआ करता था। आपका पुराना प्यार जाग जाएगा, इस गीत को सुनते ही आपका पुराना प्यार जाग जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अनुपम राय ने इतनी बारीकी से इस गीत को लिखा है। जी हां, यह आपके दिल को चीरकर रख देगा। और गोपी भगत का जो सिनेमाटोग्राफी है वो कमाल का है, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को शूट किया है। यहां यह आपकी आंखों को सुकून पहुंचाने वाली है। एक और बात, पुरी में एक होटल है, होटल रॉयल पैलेस। फिल्म के दौरान इस होटल का काफी प्रमोशन किया गया है। एक बार इस होटल का रुख आप जरूर करें, और पुरी में अगर जाएं तो जगन्नाथ जी की पूजा करना न भूलें। और रहा अयोग्य की बात, इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं वो सभी योग्य हैं। यहाँ वाकई वे काबिल हैं, और फिल्म के निर्देशक कौशिक गांगुली में तो कमाल के निर्देशक हैं। यह फिल्म देखी जा सकती है। वैसे इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आपने इस फिल्म को देखी है तो जरूर बताएं ये फिल्म आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया। आकाशेर गाए लेखा अजोगो आमी, जतो भावी भूले गेछी तबु चुपी चुपी खोजे से आमाय।
एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब राउरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स रिश्ता भरोसे का। 24x7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24x7 ताजा समाचार सकल दर्शक देखे আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24x7 ताजा समाचार के আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।